तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। तो यार, आ चुके को नई वीडियो के साथ वापिस। अभी यार, आज की इस वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं आईकुक 7 का। ये भाई हमको पड़ा था 32,000 रुपये का, और 8G वाला वेरियंट है इसमें, 6 वाला नहीं आता, तो 8G वाला वेरियंट है। और सबसे पहले यार, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे। तो सारी स्पेसिफिकेशन दिखेगी आपको अपने स्क्रीन के ऊपर, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। और बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसके अंदर भाई स्नैपड्रैगन 870 देखने को मिलता है, बढ़िया है। वैसे मैंने इसमें गेमिंग वेमिंग करके देखी है पूरी अच्छे से, टेस्टिंग के बाद मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। और भाई, काफी दिनों पहले मेरे पास ये फोन आ गया था, पर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे को थोड़ा टेस्ट करना था इसको, और अच्छे से टेस्ट करके अब आ गया हूँ। मल्टीपल्स गेम्स मैंने इसमें ट्राई करी है। अभी भाई, इसकी बैटरी की बात करें तो इसके अंदर 4400 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। और भाई, एक कमाल की बात और है कि इसके अंदर 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, जो कि आपके फोन को 22 मिनट के अंदर 0 से 100 कर देगा। भाई, सोच सकते हो कितनी फास्ट चार्जिंग है। मतलब कि आप ऐसे जा रहे हो कि बाहर, मैं भाई अभी टॉयलेट वॉयलेट करके आता हूँ, इतने फोन चार्जिंग पे लगाया, आपने फोन आके देखा, ले भाई फोन तो यहाँ पे आधा हो चुका है, तो इतनी तेजी में यहाँ पे फोन चार्ज कर देता है। ये फुल अंधी चार्जिंग है इसके अंदर, ये चीज मेरे को इसकी काफी ज्यादा तगड़ी लगी है भाई। जैसे कि अपना BMW वाले फोन में भी था, आईकुक 7 लेजेंड के अंदर। बाकी भाई, इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है 120Hz की, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी स्मूथ है एकदम। तो ये हो गई सारी स्पेसिफिकेशन की बात। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको बैटरी परसेंटेज अगर दिखाऊं फोन की, तो यहाँ पे मैंने इसको अभी 100% चार्ज करा हुआ है। तो भाई, अभी गेम चालू हो चुकी है। और ग्राफिक सेटिंग की बात करें तो इसमें स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल है। बैलेंस प्लस एक्सट्रीम, HD प्लस एक्सट्रीम, HDR प्लस एक्सट्रीम, और अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा पे गेम को चला देता है। अभी हम इसको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे रखेंगे, एंड के मैच हम मैक्स सेटिंग पे भी खेल के देखेंगे। तो सबसे पहले अरिना का मैच स्टार्ट करेंगे और स्टॉपवॉच लगा लेते हैं। और भाई, इसके अंदर जो जायरोस्कोप सेंसर है ना, वो भी एकदम बढ़िया वर्क करता है, और सेंसिटिविटी अभी मैंने इसकी 400 कर रखी है। भाई बिल्कुल टकले पे आके बम गिरा, टप्पा खाया फिर फूटा, बम उठा रहा था यार मैं तो। ऑल दो परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया थी इसकी, आईकू 7 की एकदम कॉन्स्टेंट 60 था, एक भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हुए फोन के अंदर। बस यार, जो इसकी स्क्रीन है ना, ये उतनी मेरे को चिकनाहट नहीं मिल पा रही है, वो इस वजह से है क्योंकि यार टेम्पर लगा हुआ है अभी, स्ट्रिंग है मतलब वो। अभी अगला मैच हम स्टार्ट करेंगे इरेंगल का। बाकी एक बार भाई फोन का टेम्परेचर ले लेते हैं। जो फोन का टेम्परेचर ऑलरेडी 41 पहुंच गया, जब हमने इसको स्टार्ट करा था तो 37 था ये, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर 33 है। अभी जहां भी जाना है चलते हैं, बाकी प्लेन से जंप करते हैं, देखेंगे कि रेन ड्रॉप करता है या फिर नहीं। अबे यार, कहाँ ले जा रहे हो यार, रेन ड्रॉप तो नहीं हुए, बट भाई मैं नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ। मौज करने आ गया कोई मेरे घर में, बड़ी लेट लैंडिंग करी बेटे तुमने। साले दोनों किल चुरा ली मेरे। एक डाउन है भी, आ जाओ। बहुत इजी स्क्वाड थी भाई, 0 किल लेके आए थे, यहाँ से 4 मिल गए भाई, एक भी फ्रेम ड्रॉप नहीं करे इसने इस पूरी फाइट के अंदर। चलो यार, ये बॉट वॉट मत देखो। मार दे लौंडे, लौंडा फिनिश।
अब यार मैंने घुसते तो 2 पेल लिए थे, चल कोई ना। परफॉर्मेंस भाई देख रहे हो, जैसे हम लड़ाई के बीच में भी घुसे वहां पे भी कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं करा इसने। काफी ज्यादा बढ़िया चल रही है गेम इसमें। अभी भाई हम एक और मैच खेल रहे हैं इसके अंदर इरेंगल का ही। बैटरी परसेंटेज 10% ड्रॉप हुई है, टेम्परेचर 37 से 41 चल रहा है, ज्यादा नहीं हुआ। भाई काम करते हैं, अब इसकी सेटिंग है ना वो HDR प्लस एक्सट्रीम पे खेलते हैं एक बार। अभी भाई जंप करते हुए देख लेते हैं एक बार फ्रेम ड्रॉप करता है फिर नहीं। अभी भी भाई फ्रेम ड्रॉप नहीं करे, ये क्या भाई अभी भाई फ्रेम ड्रॉप नहीं करे। अरे यार हंसो मत यार तुम, क्या ये अभी HDR सेटिंग पे फिर भी फ्रेम ड्रॉप नहीं करे भाई इसने। मैक्स आर भी कर रखी बॉट ने। अबे रीलोडिंग पे थी। मेरी रीलोडिंग पे चली गई थी। ओए ओए मेरे पड़ गई, मैं अंदर आ गया। आई उठा दे ऊपर छत पे से इसी घर की, इधर से आएंगे यार भाई बंदे। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, पीछे से पीछे से मेरे को पेल गया भाई। जैसा कि HDR सेटिंग पे भी आपने देखा एक्सट्रीम पे खेल रहे थे, HDR प्लस एक्सट्रीम पे, वहाँ पे भी कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं और टेम्परेचर तो ऊपर जा ही नहीं रहा 41 से, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। टेम्परेचर अभी भी 41 है। अभी हम बिल्कुल मैक्स जाने वाले सेटिंग पे अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा में 40 FPS हो जाएगा ये, और एक अरेना ट्रेनिंग का मैच करके देखते हैं कि इसमें कैसी परफॉर्मेंस रहती है इसकी। वैसे अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस इन्हें हमको दी है। इसके साथ साथ हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह भी चालू रखेंगे, तो TDM का मैच चालू करते हैं। बाकी भाई इस फोन के अंदर भी यहाँ पे आपको ईगल आई व्यू देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा कलर को बूस्ट कर देता है। और 4D गेम वाइब्रेशन भी है भाई इसके अंदर, जो कि PUBG में काम नहीं करता क्योंकि यार ये कोरिया वर्जन है। ग्लोबल में मेरे ख्याल से शायद से काम कर जाए, पर अभी मैंने ग्लोबल में ट्राई करा नहीं है। बाकी फ्री फायर स्पोर्ट 9 वगैरह जैसी गेमों में ये अच्छे से वर्क करता है 4D गेम वाइब्रेशन। तो अभी हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू कर दिया है, अब भाई इसको बिल्कुल पुश करने वाले हम। परफॉर्मेंस वैसे भाई आप देख ही रहे हो क्या गजब दे रहा है। हार तो गए भाई, पर ऑल दो परफॉर्मेंस काफी ज्यादा जहर थी। 50 मिनट भाई हमको हो गए हैं, अब क्या करते हैं स्टॉपवॉच को स्टॉप करके फेंक देते हैं कोने में कू और चलते हैं फोन की होम स्क्रीन पे। बाकी भाई एक बार इसका फटाफट से हम टेम्परेचर ले लेते हैं कि कितना पहुंचा। तो भाई मैक्स टू मैक्स ये 40 है, अभी पीछे से तो 37 ही पहुंच रहा है और आगे से 40 पहुंच रहा है। तो भाई हमारे गेमिंग टेस्ट के अंदर मैक्स 41 डिग्री पहुंचा, उससे ज्यादा नहीं पहुंचा। और बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो गेमिंग परफॉर्मेंस इसने हमको काफी ज्यादा तगड़ी दी। फिंगरप्रिंट काफी छप गए हैं वैसे इस पे, चलो कोई बात नहीं। बट इससे परफॉर्मेंस भाई मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसी परफॉर्मेंस दे देगा, बट भाई काफी ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस थी और काफी ज्यादा बढ़िया फोन है यार ये। अगर आप लेना चाहो तो इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हो, मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड रहेगा भाई पूरा स्मार्टफोन। बल्कि यार मेरे को एक चीज की और वो लगी, मैंने इसको टेस्ट करा तो मैंने इसको काफी सारे फोन्स के साथ टेस्ट करा था, जैसे कि पोको X3 प्रो और अपना ये BMW IQ 7 Legend। तो इन दोनों में से यार मेरे को ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस IQ 7 की लग रही थी, और IQ 7 Legend में थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा था कि गेम हो रही है ऊपर नीचे। बाकी जो अपना ये है भाई IQ 7, ये एकदम स्टेबल गेम को चला रहा था विद 60 FPS, कहीं पे भी कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखते नहीं मिले मेरे को। बाकी यार फोन में कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी, बिल्कुल एकदम परफेक्ट स्मार्टफोन है, 60 FPS का गेम एकदम तगड़ी चलाता है। बाकी भाई मैंने इसके अंदर और भी काफी सारी गेम्स ट्राई करी थी, जैसे कि Asphalt 9, फ्री फायर, PUBG और कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह, ऐसी काफी सारी गेम्स थी और छोटी मोटी तो सबवे सर्फर वो खेलते कम है लोग, वैसे पर फिर भी चेक कर ली थी और एकदम बढ़िया गेम चला रहा था। और मैंने सारी गेम मैक्स सेटिंग के ऊपर खेली है, कोई भी लो सेटिंग पे नहीं खेली कि ऐसा हो कि लो सेटिंग पे खेल के भाई फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं, तो नहीं भाई सारी गेम मैंने मैक्स सेटिंग पे खेली थी। कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह मैंने सब टेस्ट कर चुका हूँ इसके अंदर मैक्स सेटिंग के ऊपर, वहाँ पे भी कोई फ्रेम ड्रॉप मेरे को देखने को नहीं मिला। और बाकी फ्री फायर वगैरह तो बढ़िया चला ही देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आपको फोन लेना चाहिए या फिर नहीं, और अगर वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना। बाकी भाई मैं इसका कंपैरिजन पोको का X3 Pro और IQ 7 Legend, ये दोनों फोन है, इन दोनों के साथ भी लाने वाला हूँ। इनके साथ देखना चाहते हो कंपैरिजन तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार अगली वीडियो इन्हीं के ऊपर आने वाली है, तभी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि यार अपने 100 के सब्सक्राइबर भी कराने हैं, 100 के का टारगेट है, तो करवा दो यार फटाफट से। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और कमाल की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।